हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बड़ों को नमस्कार, प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज हम मनाने जा रहे हैं, टाइटल में देखिए पता लग रहा होगा आपको, सोया चाप। तो आ दोस्तों, बनाते हैं सोया चाप और दिखाते हैं आपको, बहुत ही सिंपल रेसिपी है कैसे बनती है। तो चलिए मेरे साथ। ये चाप फ्राई करने जो रखे हमने, फ्राई हो रहे हैं, इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि एटलीस्ट ताकि जो कि ये पानी छोड़ सके। कलर बहुत बढ़िया आ रहा है, ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं हमारे चाप। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, और चाप मसाला कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको उसके इंग्रेडिएंट। तो आइए, हमें लेनी है यहाँ पर दालचीनी, थोड़ा सा जीरा और बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, अपनी हींग, चार कटे हुए प्याज बारीक, चार टमाटर काटने, थोड़े से मोटे काटने, ज़्यादा नहीं, पतले नहीं करने। दूसरा, मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है ये मैंने ईमानदस्ता है उसमें कूटा है, इसको मिक्सी में नहीं करना क्योंकि मिक्सी से जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर क्रीम भी मैंने घर की ली है आज, क्योंकि जब हम ये चाप मसाला बनाने जा रहे हैं बहुत सिंपल है और घरेलू है, तो उसको सारे मसाले घर के लिए। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हमने बहुत कम लिया है, अब हम डालेंगे अपने खड़े मसाले। मसालों को आपको रोस्ट इतना करना है कि वो जले नहीं और आराम से, क्योंकि जो काली मिर्च का फ्लेवर आएगा वो एक लाजवाब और बेहतरीन रहेगा। मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे अपने प्याज। दोस्तों प्याज को इतना चलाते रहना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इनमें से जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक से क्या होगा, प्याज थोड़ा जल्दी गल जाएंगे। प्याज हमारे ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना फिलहाल, क्योंकि हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक जो हमने ईमानदस्ते में कूटा है, तो हम वो डालेंगे इसमें, क्योंकि इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको अभी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालेंगे जो हमने कैटल में कर रखा है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा गलने के लिए टाइम लगता है जिंजर गार्लिक का जो ये कुटा हुआ पेस्ट है। तो प्याज हमारे ऑलमोस्ट हो गए, अब हम ऐड करेंगे अपने टमाटर। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा पानी से क्या है ये जल्दी टमाटर गलेंगे। और दूसरा क्या है कि ये जब चाप मसाला बन रहा है तो इसमें मोस्टली मैंने कम से कम मसाले का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो ये सारे मसाले आपके अब घरों में मिल जाएंगे और बेहतरीन टेस्ट के साथ। अब हम थोड़ा सा इसमें ढक्कन लगा देंगे, तब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। नमक हमने पहले डाल दिया, पर आप भी टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबल स्पून आपका धनिया पाउडर, इसको ढंग से इसको मिलाना पड़ेगा आपको, इसको ढंग से मिला लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाप मसाला। मसाले को आप कंटिन्यू इसको चलाते रहिए ताकि नीचे ना लगे, और बहुत ही बेहतरीन एक जो फ्लेवर आना चाहिए था खुशबू के माध्यम से दिख रहा है। तो मसाला ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, बहुत ही बेहतरीन मसाला लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाप। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस
इसको आप तब तक करते रहिए जब तक इसका मसाला जो है बढ़िया से चाप के अंदर मिल जाए और जो इसका फ्लेवर है अंदर तक रहे। हल्का सा पानी डाल दिए ताकि थोड़ा सा क्या है अच्छे से मिल जाए मसाला। अच्छे से मिल गया है, अब थोड़ा सा इसको हम ढकेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी घर की बनी हुई क्रीम। क्रीम आपने ज़्यादा नहीं लेनी, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं ऐड करूँगा 4 से 5 कली काजू की, ये ऑप्शनल है, बाकी इससे क्या है कि टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो जाएगा और जो इसमें जो टेस्ट आएगा बहुत ही ऑसम आएगा। तो मैं ले रहा हूँ इसमें ये पेस्ट बनाया मैंने, वो भी ईमानदस्ते में ही रखा है। आप देख ही रहेंगे कि मैं इसमें मिक्सी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तब भी आप बहुत ही बेहतरीन चाप मसाला बना सकते हैं। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। हम ढक्कन निकाल उतारेंगे। खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है, तो उम्मीद है डिश भी अच्छी बन रही है। हमारा चाप मसाला ऑलमोस्ट बन चुका है, अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया हमने डाल दिया है अपना। तो दोस्तों चाप मसाला रेडी है, आइए अब करते हैं इसको सर्व। चलो हम डिश बन गई है, मम्मी को देते हैं। मम्मी कैसे बनाई ये? क्या मजा आ रहा है खाने में? कैसी है? अच्छा बना। चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं भी चेक करता हूँ हल्का सा। बना बढ़िया है। तो दोस्तों आप भी ट्राई करें चाप मसाला की रेसिपी, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जो नए लोग हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहिए। तो मिलते हैं फिर कल। गुड बाय।